हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और हमेशा की तरह बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में खास क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डेटा हमारे पास है। ठीक है, अभी हम लैपटॉप पे हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर पे है तो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ माउस पे है तो भी आपको यहाँ पर अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, केवल प्राइस है और ये तमाम चीजें। लेकिन जैसे ही कीबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ कीबोर्ड की फोटो बनी हुई आ रही है, देख सकते हैं। अब ये कैसे फोटो बनी हुई आई आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा। ठीक है, और ऐसी फोटो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मान लीजिए माउस पे आपको फोटो लगानी है। ठीक है, आपके पास फोटो होनी चाहिए माउस की आपके कंप्यूटर में। ठीक है, और करना क्या है, आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। क्या प्रेस करना है, आपको कमेंट लगाने वाली शॉर्टकट की प्रेस करनी है, यानी शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करना है। माउस पे जाकर के शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करिएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। आप यहां पर ये मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं, ये हटा दिया। और यहां पर ये जो लाइनिंग बनी हुई है, यहां पर जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है फॉर्मेट कमेंट, तो इस बॉक्स को ओपन कर दीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। फिर यहां पर आप देखेंगे कलर्स एंड लाइंस दिया गया है, इसी पे क्लिक रखिएगा। और क्लिक रख के कहां जाइएगा, ये जो कलर दिया गया है ना, कलर के ड्रॉप डाउन पे जाइएगा। ये ड्रॉप डाउन पे आए, नीचे जैसे ही आएंगे तो फिल इफेक्ट्स आएगा, तो इफेक्ट पे ही जाना है आपको। आ गए इफेक्ट पे, यहां पर आपको मिल जाता है पैटर्न, टेक्सचर, ग्रेडियंट और पिक्चर, तो हमें पिक्चर पे जाना है। और यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर कीजिए और हमें अपने इसी कंप्यूटर से करना है। तो ये जो है माउस का है, तो यहाँ पे माउस की फोटो मैंने बना रखी है और इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ, अभी माउस की फोटो थोड़ी सी छोटी आएगी तो यहाँ पर छोटा कर देता हूँ इसको। और अब वापिस से वही काम कि यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट कमेंट पे जाना है, फिर यहाँ से कलर्स पे जाना है, फिर फिल इफेक्ट पे जाना है। और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पिक्चर आएगा, पिक्चर पे क्लिक करिए, फिर सेलेक्ट पिक्चर पे जाइए, फिर फ्रॉम फाइल पे जाइए और यहाँ से माउस को सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो बस काम हो जाएगा। और जैसे ही ये काम हो जाएगा तो यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपको माउस की फोटो दिखाई पड़ेगी। देखिए किस तरीके से ये माउस की फोटो दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कंप्यूटर की भी लगानी है, तो कंप्यूटर के लिए भी वही शिफ्ट और F2 करिए, कंप्यूटर पे जाकर के शिफ्ट F2 प्रेस कीजिए, ये कमेंट आ जाएगा, हटा दीजिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। और यहां से जाइएगा कहाँ पे, राइट क्लिक करके यहाँ देखिए, ये जब फोर हेडेड एरो बने तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट कमेंट पे जाइए और यहाँ से आ जाइए सीधा कहाँ, फिल इफेक्ट दिया गया है इसी पे आ जाइए। और आने के बाद फिर कहाँ जाना है, पिक्चर पे जाना है, सेलेक्ट पिक्चर पे जाना है और फिर फ्रॉम फाइल पे जाना है। और जैसे ही फाइल पे जाते हैं तो ये बात हो रही है कंप्यूटर की, लैपटॉप की बात नहीं हो रही है, तो ये कंप्यूटर वाली फोटो लगा लीजिए, हो गया काम, बस इतना ही तो करना है। और इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे छोटा रहेगा थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही कीबोर्ड पे जाते हैं तो कीबोर्ड की फोटो, माउस पे जाते हैं माउस की फोटो, कंप्यूटर पे जाते हैं कंप्यूटर की फोटो, ऐसे ही लैपटॉप की भी फोटो लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।